हेलो किसान हैं किसान दोस्तों आज का मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है ठीक है अब आज आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्म में लेकर आए हैं जो दिखा रहे हैं कि मतलब इसमें जो ग्रो किया गया है ठीक है एलोवेरा के साथ जो है जो है एलोवेरा के साथ जो अपना है ये देखिए आंवला का भी आंवला का भी हेतु प्रोडक्शन लिया जाता है तो इससे बेनिफिट यही है कि आपको जो होता है इनकम जनरेट होता है आंवले से भी जनरेट हो जाता है और जो होता है ये देख रहे हैं आपका जो है इस पर लगाया गया इस मलचिंग के द्वारा लगाया गया है एलोवेरा से भी आपको इनकम जनरेट हो जाता है इससे क्या होता है कि आंवला के मतलब देखिए आंवला का तो पेड़ लग गया है ठीक है लेकिन नीचे का जो जमीन है यूटिलाइज नहीं हो पाता है तो इसके यूटिलाइज करने के लिए देखिए आप देख सकते हैं आंवले का ग्रो आंवला एलोवेरा सॉरी एलोवेरा का ग्रो किया गया है ठीक है आंवले के साथ एलोवेरा का तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है एलोवेरा से भी हो जाता है और आंवले से भी देख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्म में आए कितने कितने अच्छे से जो आंवले आपको दिख रहे हैं कितने ज़्यादा से ऑर्गेनिक फार्म में जो ऑर्गेनिक तरह से खेती करते हैं उसमें कितने ज़्यादा ज़्यादा सही तरीक़ा से जो आंवला आया हुआ है भर भर के हमारे फील्ड में जो है आंवले आए हुए हैं इसमें कोई खाद का उपयोग नहीं किया गया है वर्मी कंपोस्ट यूज होता है वो भी कभी कभी ठीक है तो अगर इस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है कि देख सकते हैं जो इसका इसका आंवला भी जाता है वो ऑर्गेनिक फार्म में जाता है ऑर्गेनिक फार्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वहाँ पर जाता है तो इसका प्राइस नॉर्मल जो आंवले से भी होते हैं अधिक मिलते हैं ठीक है और ये बात किया जाए एलोवेरा का तो एलोवेरा का भी जो हम हमारे कंपनी से जो है टाइप होता है ठीक है जो ऑर्गेनिक तरह से क्योंकि हम एलोवेरा को भी ऑर्गेनिक तरह से ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक का भी वैसे ही मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहता है तो हमारे ईजिली जो है ये सब प्रोडक्ट जो आंवले से आंवले जो है आंवले का भी मतलब इजीली तरीक़ा से हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने आंवले अच्छे हुए हैं तो आंवले का भी इजीली प्रोडक्ट हो जाता है मतलब बिक्री हो जाता है मार्केट में कोई दिक्कतें नहीं आती है ठीक है अभी आप लोग दिखना जितना भी देख रहे हैं आंवला इसका बुकिंग हो चुका है ठीक है तो ये सब हम लोग इससे फायदा क्या है कि आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बार यू, यूज खेत और खेत को ऑर्गेनिक बना लिए तो आपको ज़्यादा जो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें बहुत प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा मिलते हैं आमतौर में जो फर्टिलाइजर्स फर्ट फ़र्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा फील्ड का फर्टिलिटी जो होता है वो घट जाता है ठीक है इसीलिए आजकल जो है हम ऑर्गेनिक फार्म की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे आंवले आए हैं ठीक है तो वो चलिए दिखाते हैं आपको देखिए कितना दूर में ये तो हमारा एक सैंपल सा सैंपल लगाया गया है लेकिन हमारा जो हम जो है हाँ, हम जो ये फिर जो ये फार्म है वो बहुत सारे जो होता है गाँव से टाइप किया हुआ है जिससे क्या होता है वहाँ के किसान जो होते हैं इससे मतलब इसको अपना जो जिसका इसका प्रोडक्शन होता है इसको ला कर देते हैं और ये मैनू ये जो है उनको पैसा देता है ठीक है तो चलिए देखते हैं इससे क्या होता है कि किसान को भी फायदा होता है ना किसान को मार्केट में बेचने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और इनको जो इनको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर ये रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं ठीक है थीका? तो देख सकते हैं हमारे आंवले कितने अच्छे आए हुए हैं आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे आंवले आए हुए हैं जिनका बहुत सारा फायदा है ठीक है दिखाते हैं कितना मस्त आंवले आए हुए हैं आप देख सकते हैं इसमें ठीक है तो बने रहिए हमारे साथ ठीक है और ऐसा ही हम ऑर्गेनिक जो होता है ऑर्गेनिक फील्ड में जो ग्रो करने वाले मेडिसिनल प्लांट हैं उस सब के बारे में बताते रहेंगे ठीक है एलोवेरा का एलोवेरा से जो एलोवेरा के बहुत ही यूज होता है जो फेसियल जो क्रीम होता है वगैरह सॉफ जो होता है उसमें और मेडिसिनल जो भी दवाई ववाई बनती हैं उसमें भी एलोवेरा का यूज़ होते रहता है ठीक है तो बने रहिए हमारे साथ हम अगला वीडियो लेकर आएंगे और किसी मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी देंगे ठीक है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड होगा ठीक है तो हमारा बेसिकली एम है कि जो है फार्मर अधिकतर अधिक फार्मर जो जो हैं वो क्या जो ऑर्गेनिक फार्म ऑर्गेनिक फार्म की तरफ पाए क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म में जो है बेसिकली ज़्यादा मतलब मेहनत मेहनत तो ज़्यादा शुरुआत में ही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि फील्ड को ऑर्गेनिक बनाना होता है उसके बाद जो मेहनत नहीं लगती है क्योंकि जो भी रेसिड्यूअल आपको फील्ड से निकल रहा है वहीं बेसिकली ऑर्गेनिक फार्म में यूटिलाइज होता है ठीक है जो आपका एनिमल से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है आप आपके फील्ड से वेस्ट मटेरियल उसी से तो हम जो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं कंपोस्ट कंपोस्ट यूज़ करते करते हैं करते हैं तैयार इसमें खाद के रूप में ऑर्गेनिक फॉर्म में देते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो हमारा फील्ड ये यूनिट फील्ड तैयार हुआ है ठीक है जिसमें एलोवेरा के साथ जो हम लोग हैं मोरिंगा यूज किए की, किया हुआ है देखिए अभी ये थोड़ा बारिश जो ठंडा का मौसम है नहीं तो इसमें एक और मोरिंगा प्लाट लगा दिया जाएगा बीच बीच में ठीक है क्योंकि जैसे ही अब देखिए हार्वेस्टेज के स्टेज पे जो है हमारा आंवला आ गया है और ये देख सकते हैं एलोवेरा भी हारवेस्टेज के स्टेज पे आ गया है तो उसके बाद प्रोडक्शन लेने के लिए हम लोग मोरिंगा का ग्रो कर दे, ग्रो कर देते हैं तो हमारा इनकम भी कंटिन्यूसली जनरेट होते रहता है जिससे हमको मतलब हमको इव, प्रोडक्शन के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ता है अगर कंटिन्यूसली जो है इनकम जनरेट होगा तो हमारे लिए वो बेनिफिट और किसान के लिए जो होता है बेनिफिट हो जाएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में